प्रयागराज में बेनहर स्कूल एवं बाफ्टा में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव के चौथे दिन यानी शुक्रवार को उर्दू रामलीला के मंचन के जरिए तहजीब का अनूठा संगम एवं आपसी सद्भाव की मिसाल पेश की गई। प्रयागराज में दूसरी बार शुक्रवार की शाम को दस्ताने राम उर्दू में रामलीला के मंचन के जरिए गंगा यमुना तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। तारिक खान द्वारा निर्मित मुस्ताजाब मलिक एवं क्रिएटिव डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह द्वारा निर्देशित इस संगीतमय उर्दू रामलीला में शास्त्रीय एवं लोक नृत्यों की जुगलबंदी भी बेहद खास रही। दस्ताने राम में छाया कठपुतली का प्रयोग भी बेहद रोचक था। 1.5 घंटे की इस रामलीला में राम की भूमिका संदीप सिंह ने की, राम के बचपन की भूमिका अजल खान ने निभाई, तो वहीं सीता के रूप में रश्मि सिंह, लक्ष्मण के रूप में अंकित सिंह और रावण के रूप में भूपेंद्र त्यागी का अभिनय सराहा गया। दस्ताने राम के सभी शास्त्रीय तथा कथक नृत्यों को मशहूर कोरियोग्राफर पुनीत शर्मा ने तैयार किया। इस लीला में मुस्लिम परंपराओं के अनुसार राम की तारीफ में नाथ, दशरथ की मृत्यु पर मरसिया, मनकबत आदि का मेल लोगों को सकते में डाल दिया। उसका मुख्य उद्देश्य इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना। दास्तान राम मेरा नाटक है, इसको डायरेक्ट किया है मुस्तजाब मलिक साहब ने और इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हमारे संदीप करतार सिंह जी, जो राम का रोल अभी निभाएंगे। हम लोगों ने मिलकर जामे मिलिया में इस नाटक को रूप दिया 2019 में, ताकि इस देश में जो दूषित हवा चल रही है, नफरत की हवा, उसको कम किया जाए और कमज़ोर किया जाए। ऐसा नहीं है कि राम को सिर्फ एक धर्म के लोग मानते हैं। इस देश की तहजीब में अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले राम को इमाम हिंद कहा था, माना था। आज भी हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हो, वो राम को अपना इमाम मानते हैं। आपके 5 दिवसीय कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बाल कलाकार जो भी प्रतिभाग कर रहे हैं मंच में, कहीं ऐसा तो नहीं उनको आगे भी चलकर एक बड़ा स्टेज देने का काम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल थिएटर फेस्टिवल 5 दिनों का हमारी संस्था बफ्टा ने ऑर्गेनाइज किया है, जो इसी स्कूल की संस्था है। पिछले 12 सालों से हम लोग जो है थिएटर को मजबूत करने का काम शहर में कर रहा है। हमारे यहाँ से निकले हुए लड़के इस वक्त NSD में जो है थिएटर वर्कशॉप कर रहा है। अभी आप देखोगे जब हम लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो बेनहर स्कूल से इलाहाबाद में थिएटर की एक नई बयार बढ़ी है जो पूरे देश में फैलती चली जा रही है। पूरा परिचय? मुझे तारिक खान कहते हैं, मैं बेनहर स्कूलों का संस्थापक हूँ, इलाहाबाद के बेनहर स्कूलों का, कानपुर भी मेरे स्कूल हैं दो, और हम लोग जो है थिएटर और हर कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ है उसको प्रोत्साहन देते हैं ताकि बच्चे अच्छे आदमी बन सकें।